डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। होली के सभी की शुभकामनाएं, मजा आ रहा है जिस तरह से देख रहे हैं। और जिन्होंने तेंदुलकर को देखा है वो यहाँ पर ये लेकर बैठे हैं कि आई सॉ तेंदुलकर, तो खुशनुमा चेहरे। टॉस इस तरह से हुआ, तेंदुलकर वहां पर जैसे ही आए थे टॉस करने के लिए, दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया था और तेंदुलकर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और इंडिया लीजेंड्स की टीम वीरेंद्र सहवाग, तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, समीर दिघे, बांगड़ को खिलाया गया इस मैच में। इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, जहीर खान, मुनाफ पटेल, प्रज्ञान ओझा। और श्रीलंका की टीम तिलक रत्न दिलशान, कालू बिदरना, अगापटू, कालू कपूगेडरा, चंदाना महरू, सेना नायक मेंडिस, वास हैरत और कुशारा। पहली गेंद जहीर खान की, ये इन स्विंग करती, धीरे से पुश किया लेकिन एक रन के लिए दौड़ पड़े फुर्ती के साथ। ओवर थ्रो भी हुआ, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं जो कि जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन सही वक्त पर वापस लौट कर इंडियन लेजेंड्स ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग की है। हालांकि इस मैदान पे पिछले 10 मैचेस जो घटे हैं वहां पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम ने, और 4 रन मिल जाएंगे। इस बार थोड़ी इंतजार में थे कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी करेंगे जहीर खान, और वैसा ही हुआ। ये जो समझदारी है ये खेल में बहुत काम आती है। ये यॉर्कर करने की कोशिश थी, बहुत ही बढ़िया इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, लेकिन सही वक्त पर बैट नीचे ले आए, धकेला गेंद को। ये फिर थोड़ी सी शॉर्ट और फिर बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया स्क्वायर लेग पर, वहां पर मिसफील्ड हुआ और 4 रन। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इरफान खड़े थे वहां पर, लेकिन उनके हाथों के बीच में से निकल गए दुखी हुए। ओवर की समाप्ति, 10 रन बिना किसी नुकसान। इरफान पठान 177 मैचेस, 173 विकेट। बढ़िया गेंद, अच्छी शुरुआत उनकी, स्लिप नहीं लिया है और थर्ड मैन अंदर था। इरफान पठान बॉलिंग कर रहे हैं, ये उठाकर मारा है, इस बार लेंथ पे आ गई थी और सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया, उसको कनेक्शन बहुत ही शानदार, विद टाइड उसे घुमा दिया और कनेक्शन बहुत ही शानदार, 4 रन। ऐसे ही क्रिकेट खेल के कालू वितरणा ने बहुत नाम कमाया था। सनत जयसूर्या और कालू वितरणा की जोड़ी ने जो पहले 15 ओवर को एनकैश, उनको भुनाना दुनिया को सिखाया इन्होंने। जाएगा, ओह क्या शॉट है, और इतना तेज के 5 मीटर साथ में था डीप स्क्वायर लेग के, फिर भी रोक नहीं पाए। अब गोनी लाए गए, गोनी बॉलिंग कर रहे हैं और आते ही उनका स्वागत किया मिडॉन के ऊपर से उठाकर 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग हालांकि बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उनको मालूम था 30 गज के दायरे के अंदर ये सारे फील्डर्स उसका फायदा उठे, 4 रन। दिलशान के पास इतना अनुभव है कि गोनी का रनअप देख के पता लग गया था कि शॉर्ट पिच करेंगे पहला गेंद, तो इतना अंदाजा तो उन्हें हो गया था, बैकफुट में खड़े थे और उनको पूरा पूरा भरोसा था। कह सकते हैं जहीर खान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला गेंद बिल्कुल ऊपर करेंगे। और फिर से मुनाफ पटेल नहीं दे रहे आगे, बहुत चला गेंदबाज है, बहुत सदा हुआ एक्शन है, विकेट के पास से एकदम आके हाई आर्म से हिट करते हैं डेक को। मोहम्मद कैफ चुस्त मुस्तैद और सबसे फिट लग रहे हैं, जिनको अगर फ्रंट फुट पर शॉट लगाने का मौका दिया जाए तो जोरदार स्ट्रोक्स लगाते हैं। शायद इसीलिए इंडियन बॉलर्स की स्ट्रैटेजी रही है कि जस्ट शॉट रखा जाए इस पिच के ऊपर, एक उछाल मिलेगा जिससे कि परेशानी में डाल सकते हैं, और डाला भी है इन दोनों बैट्समैन को। थोड़ा सा वक्त बिताना जरूरी और फिर इस तरह के शॉट्स लगाए जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वक्त अगर आप बिता लें पिच की पेस और बाउंस का आपको अंदाजा हो जाता है और फिर शॉट्स लगाने आसान हो जाते हैं। सो दोनों टीमों को अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया, कोई मौका नहीं रहेगा, आउटफील्ड बहुत तेज, एक और बाउंड्री। और अब दिलशान प्रेशर बना रहे हैं बॉलर के ऊपर, क्योंकि पिछली बॉल पर जो शॉट लगाया था ऑन द राइज, जिस तरह से अतुल ने बताया, इतनी आसान नहीं थी वो शॉट। शॉर्ट बॉल हवा में और कोई परेशानी नहीं वहां पर मोहम्मद कैफ के लिए। हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बहुत बढ़िया फील्डर है, अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और
इरादे स्पष्ट कर दिए थे पिछले ओवर में दिलशान ने कि तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुनाफ पटेल अतुल मुझे बहुत पसंद आते हैं बोलर। जब खेलते भी थे मैं बहुत निराश हुआ था जब इनका करियर इतना शॉर्ट रह गया था, अपनी फिटनेस के ऊपर उन्होंने जितना काम करना चाहिए था नहीं किया, क्योंकि इतना नपातुला रनअप, इतनी नपीतुली बॉलिंग किया करते थे विकेट टू विकेट, और वही यहाँ पर किया जिसकी वजह से पहला झटका लगा श्रीलंका। यहाँ पर अगर एक आध विकेट और लेते हैं फिर नए बैट्समैन को आना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होगा। शॉर्ट बॉल थी, पुल किया, टाइम नहीं कर पाया उसे, एक ही रन लेने का मौका आठ ओवर्स के बाद। लेग स्टंप के बाहर ये बॉल, स्विंग जरूर कराया था लेकिन लाइन सही नहीं थी, वाइड का इशारा। इसमें कोई शक नहीं था, जैसे ही ये शॉट खेली बिल्कुल विकेट के सामने थे, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, कितना बढ़िया स्विंग कराया था, बहुत अच्छी लेंथ, और उसे जिस तरह का शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन कोई चांस नहीं था। और ये दूसरा झटका, ने खिलाड़ियों से लगातार बात करते रहते थे, बहुत बढ़िया बॉल, क्या कैच है, बेहतरीन कैच, कमाल की कैच पकड़ी है समीर दीघे ने, रिटायर्ड खिलाड़ी से, रिटायर्ड विकेटकीपर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी फुर्ती दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त भी मिला था क्योंकि बॉल बैट पर लगने के बाद थोड़ी धीमी गति से गई थी विकेट कीपर के पास, और जा रही थी सीधा तेंदुलकर के पास, अगर ना कूदते बीच में तो तेंदुलकर पकड़ लेते, पर समीर दीघे ने कमाल कर दिया, बिल्कुल स्पॉन्जी सा बाउंस था। और आते ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डाइव करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए, चार रन। वहां पर वीरेंद्र सहवाग खड़े थे, वो पहले ही कह रहे थे कि पहले दिन जिस तरह से फील्डिंग की और फिर बल्लेबाजी में टिके, उनका शरीर दुख रहा था, और यहां पर देखिए जैसे ही ड्राइव किया, ऑन द राइज ड्राइव किया था। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ जिस तरह से लेजेंड्स खेल रहे हैं, क्योंकि सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जितनी कमिटमेंट के साथ खेल रहे हैं, मजा आ रहा देख के। इस बार ड्राइव किया था, पहला रन तेजी से पूरा किया, लेकिन ये आउटफील्ड बहुत ही तेज, एक और बाउंड्री, लेफ्ट हैंडर तुषारा, और आते ही बिल्कुल सही इलाके में, इसका मतलब भारतीय टीम को जो शिक्षा दे रहे थे वो खुद भी वैसे ही बॉलिंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये उठाकर मारा है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं, सीधा कैच आउट, ये सीधा कैच गया शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, मारना चाहते थे सामने की तरफ लेकिन बैट का बाहरी किनारा लग गया और शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच के रूप में गया, दर्शकों में मजा आ गया, एक और विकेट गिर गया। और सेना नायक के जो नए बैट्समैन थे, आते ही उठाया ऑफ साइड में, पॉइंट और कवर के बीच में से, चार रन, और इस बार कट किया, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, और पिक किया सुंदरता के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके, चार रन, बढ़िया स्ट्रोक, ओवर पिच थी और लेग स्टंप पर थी तो फ्लिक कर दिया आराम के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, चार रन, और ये कलाई के उपयोग से टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, दोनों खिलाड़ी एक ही तरफ आ गए, रन आउट का मौका है लेकिन सही वक्त पर पहुंच गए। क्या हड़बड़ाहट और क्या ही घबराहट दिखाई दी थी वहां पे, दोनों खिलाड़ी एक ही चेहरे पर आ गए थे। ये कलाई का उपयोग, शॉर्ट आर्म पुल किया सुंदरता के साथ, चार रन, स्क्वायर लेग की तरफ बढ़िया पुल शॉट, ये उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ और सीधा कैच आउट, गेंद के पिच तक नहीं थे, काफी दूर रह गए थे और इसीलिए उठाया तो सिर ऊंचा चला गया, लॉन्ग ऑन पर लड्डू कैच, वहां पर फील्डर थे गोनी, उनको हिलना भी नहीं पड़ा ज्यादा, और ये कनेक्ट अच्छा हुआ और आगे गिर गया बॉल, अच्छी कोशिश मोहम्मद कैफ की, कैच के लिए जा रहे थे, और ये बढ़िया शॉट, ऐसे लगा कि और बिल्कुल हाथ में, क्या कैच, मोहम्मद कैफ को बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह में रखा है कि जहां पे मेहनत का काम हो, और वो पूरे खड़े उतर रहे हैं अपनी परीक्षा में। ये बहुत ही खूबसूरत कैच, प्रशंसा करनी होगी किसी भी स्तर पर, इस कैच को प्रशंसनीय दृष्टि से ही देखा जाएगा, जिस तरह से आगे की तरफ डिप कर रही थी गेंद, ये देखे
स्ट्रोक उतना बुरा नहीं था, शायद वो तो सोच रहे थे बल्लेबाज के चौका ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से वहां पर फील्ड करके और कैच कर लिया, प्रशंसा करनी होगी। तेंदुलकर के चेहरे पर भी प्रसन्नता छा गई, 32 ही दांत उनके दिखाई दे रहे हैं खुशी में। ये उठाकर मारा है ऑन साइड में सीधा, बहुत ही खूबसूरत कैच, बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल छूते हुए लगभग कैच कर लिए गए। क्या फील्डिंग कर रहे हैं भारतीय सितारे, प्रशंसा करनी होगी। ये तो लग रहा था कि जैसे 6 रन पर ही जा रही है, इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में और फिर से जबरदस्त कैच। क्या कहना, क्या कह सकते हैं इसको, अद्भुत कैच। किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के आज के श्रेणी के क्रिकेट के लिए भी ये कैच अद्भुत की श्रेणी में ही आएगा। ऐसा कैच, गजब का कैच, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। हैरत ने इस बार उठाकर मारा है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन, तो 4 रन और मिल गए, तो इस तरह स्कोर 134 तक पहुंच गया। और एक और शॉट, एक और चौका, क्या बात है। कल भी आपके जो परसों भी हमने श्रीलंकन टीम से ऐसा ही एक रियर गार्ड एक्शन देखा था, और आज भी भाई 138 पे 8। सहवाग और तेंदुलकर अब तैयार हैं, पिछले मैच में दोनों ने ही जबरदस्त ओपनिंग की थी, सहवाग ने तो कमाल कर दिया। वीरेंद्र सहवाग ने अपने T20 करियर में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, जो 4000 से ऊपर रन्स बनाए, और सचिन तेंदुलकर ने 121 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए अपने T20 करियर में। 46 वर्ष के हैं सचिन तेंदुलकर, 41 वर्ष के हैं वीरेंद्र सहवाग, और एक शतक भी लगाया है सचिन तेंदुलकर ने T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में अगर कोई भी बैट्समैन शतक लगाए तो मैं उसे बहुत बड़ी बात मानता हूं, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं है बैट्समैन को कि आसानी से शतक लगा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय शतक की बात करें तो दिलशान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 तीनों में ही शतक लगाए। अनअकैडमिक काउंटडाउन लीजिए, इंडिया को ये चेज करना है, लेट्स क्रैक इट। देखना है कि क्रैक कर पाती है इंडियन टीम ये स्कोर या नहीं अपने 20 ओवर्स में। शॉट लगाने की कोशिश, ऊपरी हिस्सा लगा बैट का और मैच ड्रॉप। बहुत ही आसान सी कैच थी, लेग स्टंप के बाहर की ये बॉल थी, और ड्रॉप भी किससे हुआ, अट्टा पट्टू से, जो कि बहुत ही सेफ फील्डर हुआ करते थे अपने टाइम में। यहाँ बहुत मुश्किल होता है ऐसा कैच, जब टॉप एज लगता है तो पहले ही गेंद पे रोमांच आ गया, और थोड़ा चश्मा भी है तो नज़र वो नहीं रही, और ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वीरेंद्र सहवाग ऐसा लग रहा है जहाँ पर पिछले मैच में छोड़ा था वहीं से शुरू करना चाहते थे, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, जैसे ही लेग स्टंप के ऊपर ये बॉल देखी, जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश और जज नहीं कर पाए, हाथों के बीच में ऐसे निकल गई बॉल। शर्मिंदा वास इंडिया की तरफ से बोलिंग की शुरुआत हमने देखी थी, जहीर खान ने की थी, और श्रीलंका की तरफ से चमिंडा वास, दोनों ही जादूगर मैं कहूँगा, जिस तरह से बॉल को स्विंग कराते थे अपने टाइम में, और कुछ आज वैसे ही देखने को मिला जब जहीर खान बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि आखिरी ओवर में जैसे अतुल आपने बताया थोड़े से महंगे साबित हुए, और एनालिसिस उनकी देखे तो लगता है कि महंगे हो गए ओवरऑल, लेकिन बॉलिंग का जो कमाल है, जो आर्ट है, वो देखने को मिली। इस बार सचिन तेंदुलकर फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील और आउट करार दिया अंपायर ने। अजीबोगरीब शॉट खेली है सचिन तेंदुलकर ने, पहली बॉल पर हमने देखा था वीरेंद्र सहवाग ने भी अजीबोगरीब शॉट खेली थी, और सचिन तेंदुलकर अपनी दूसरी बॉल का सामना कर रहे थे। लग रहा है दो गेंदों में दो आउट हो जाते अगर सहवाग की कैच पकड़ी जाती तो। सारे देखिए निराश है एकदम से, सन्नाटा छा गया एकदम से, एंटी क्लाइमेक्स इस मैदान पे, और श्रीलंका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब आएगा मजा मैच का, और ये लैप
प्रैक्टिस भी कर रहे थे आजकल ये, क्योंकि चवंडावास की ताकत पेस नहीं है, पर फिर भी टाइम नहीं हो तो ये हो जाता है। बहुत बहुत बढ़िया शॉट, पर वो जो पावर की कमी नजर आ रही है, टाइमिंग पे ज्यादा भरोसा। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल, बेहतरीन शॉट, बिल्कुल उस एरिया में थी जहां पर कि चार रन ही बटोरने चाहिए थे, और बढ़िया तरीके से गैप ढूंढ लिया मोहम्मद कैफ ने। खराब गेंदबाजी, बिल्कुल बैट के नीचे दे दी, और कैफ को थोड़ी सी ऐसी पेस की भी जरूरत है, ऐसी तेजी की जरूरत है, और बिल्कुल प्लेस किया उन्होंने। अतिरिक्त गति खराब शॉट का मान दिया। इस बार शॉट बॉल थी, उसे थर्ड मैन के ऊपर से खेलना चाहते थे, और ये गोल का शॉट। इंडियन फील्डर्स जब फील्डिंग कर रहे थे तो उनके हाथ में तो बॉल चिपक रही थी, लेकिन श्रीलंकन फील्डर्स का हमने देखा ये दूसरा ही ओवर है, दूसरी कैच ड्रॉप हो गई। इस बार टाइम नहीं कर पाए, यहां पर एक मौका था रन आउट करने का। ओ, और मुझे लगता है कि सहवाग ने बल्ला ग्राउंड नहीं किया, बहुत क्लोज होगा ये, बहुत ही दो तीन बार बचे हैं इससे पहले, बहुत ही कैजुअली भाग रहे थे, और डायरेक्ट हिट है। खेलने के दिनों में भी ड्रैग नहीं किया करते थे, और आज भी ड्रैग नहीं किया। ओ आउट, बहुत बड़ा झटका है ये इंडियन लेजेंड्स के लिए, और बहुत ही कैजुअली विकेट्स की तरफ जा रहे थे, रन ले रहे थे, और ये दूसरा झटका भारत के लिए। ये केयरलेसनेस की वजह से अपनी विकेट खोई है यहां पर, समय तो प्रेशर भी होगा। बढ़िया शॉट, बहुत अच्छी टाइमिंग, कोई मौका नहीं रहेगा किसी भी फील्डर के पास यहां पर अगर आपने गैप ढूंढ लिया। शॉट बॉल पुल करने की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा, और कोई गलती नहीं की गालू वितरना ने, और जिस वजह से तीसरा ओवर दिया था चमिंडावास को उसमें सफल हुए श्रीलंका के कैप्टन। खराब शॉट, बहुत ही खराब क्रिकेट भारतीय लेजेंड्स द्वारा। श्रीलंका ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया बॉलिंग का, और ये शॉट ऑफ लेंथ थी, और बैक फुट पर जाकर बहुत ही सुंदरता के साथ पुल किया मिड विकेट की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर फील्ड कर लिया गया। ये बैट का मुंह खोलकर धीरे से स्टीयर किया, और एक रन के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े। ये आगे निकल कर आया, इनसाइड आउट उठाया, ऑफ साइड में खूबसूरती के साथ चालन, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग कितना बढ़िया, पहले से थोड़ा बाईं तरफ हट गए थे, इनसाइड आउट स्ट्रोक, और फिर बॉटम एंड का उपयोग किया, और खूबसूरती के साथ बिल्कुल जगह देख ली कहां स्ट्रोक लगाना है। यह सुशील दी और हवा में एक बार फिर लगाया शॉट, और 6 रन, बहुत देर बाद एक छक्का देखने को मिला इस मैच में, मैक्सिमम स्पोर्टो मैक्सिमम सिक्सेस की आज बहुत ज्यादा किल्लत नजर आई, आज तुझे लीजिए पहला स्पोर्टो मैक्सिमम सिक्स। और क्या बढ़िया स्ट्रोक, देखिए कितना बढ़िया शरीर का संतुलन, बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग, टाइमिंग बेमिसाल, शरीर का संतुलन शानदार, और गेंद बाहर बाउंड्री लाइन के, 6 रन के लिए। ये बढ़िया ड्राइव ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर, लेकिन उसके हाथ से मिसफील्ड हुआ, और चालन, और विकेट के बीचों बीच विकेट मिल जाएगी। खराब शॉट सिलेक्शन संजय बांगर की, और चौथा झटका भारतीय टीम को। ये थोड़ी शॉट थी, और बैकफुट पर जाकर कट किया, 4 रन के लिए पॉइंट बाउंड्री की तरफ, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। लेफ्ट हैंडर है इसलिए सोच रहे हैं कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने ऑफ स्पिनर की ज्यादा चलती है, उन्हें नंबर 4 पे भेजा गया था, युवराज से ऊपर भेजा गया था, और एक ही रन मिल पाएगा। 10 से ज्यादा का औसत, और बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक जरूर लगाया ऑफ साइड में, लेकिन स्वीपर कवर मौजूद है, थोड़ी नाउम्मीदी है, और ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में, और आउट।
सीधा कवर की तरफ, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। फिर से शॉर्ट बॉल, इस बार बढ़िया शॉट लगाई इरफान पठान ने, जल्दी पिक कर लिया था इस बॉल को और चार रन। इस तरह की कुछ बाउंड्रीज अगर आ जाती है अगले दो ओवर्स में तो काम आसान हो जाएगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अभी भी 49 रन बनाने हैं 25 बॉल में। जी हाँ, मुझे लगता है कि यही इसी चीज़ के इंतजार में है कि तुषारा बड़े प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, हर बॉल शॉर्ट पिच कर रहे हैं। लगता है उनकी नेचुरल लेंथ ही वही है, ऊपर कोशिश ही नहीं कर रहे बॉल करने की। ओह क्या बात है, 6 रन और भारतीय टीम वापस मैच में, स्पोर्टो मैक्सिमम 6। इरफान पठान ने, और ऐसे शॉट्स एक दो लग जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल बैट के बीचों बीच ये शॉट लगी थी। फिर से यॉर्क कराने की कोशिश, बढ़िया बोलिंग, पिछले मैच में भी बड़ी समझबूझ के साथ उन्होंने बोलिंग की थी। फिर से यॉर्कर आने की कोशिश, जबरदस्त गेंदबाजी। 40 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए 18 बॉल्स में। मारूफ, बढ़िया शॉट, बड़ी शॉट, बहुत बढ़िया फील्डिंग, इंटेलिजेंट फील्डिंग। वहां पर जैसे ही देखा कि कैच पकड़ के बाहर चले जाते बाउंड्री के, अंदर की तरफ धकेल दिया। कमाल की फील्डिंग है, ये देखना होगा कि अगर ये 6 रन बचाए हैं तो ये क्या मैच सेविंग 6 रन है ये। ओहो हो, क्या कोशिश है, हवा में है और नहीं, 6 रन मिल जाएंगे। ओह 6 रन मिले ये भारतीय टीम को, ठीक टाइम पे बॉल को अंदर पुश नहीं कर पाए, पैर लग गया जब बॉल हाथ में थी, 6 रन का इशारा अंपायर का, और ये बड़े इंपॉर्टेंट 6 रन है। अब 17 बॉल में 33 रन चाहिए भारत को। इरफान पठान, फिर से बढ़िया शॉट, एक और 6, बहुत बढ़िया हिट, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से। और हम बात कर रहे थे इरफान पठान ने जब पिछले दो ओवर पहले एक 6 लगाया था, इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंस अब दिख रहा है उनकी, क्योंकि इस ओवर के पहले लग रहा था कि कोई चांस नहीं है इंडियन लेजेंड्स के लिए, लेकिन कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए इस बार। फिर से एक और बाउंड्री कवर्स की तरफ, बहुत बढ़िया टाइमिंग, ज्यादा जोर से शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, प्लेस कर दिया उसे, और एक और इंपॉर्टेंट शॉट। क्या मजा आ रहा है गेम में, एक समय ऐसा लग रहा था श्रीलंका कोई इंडिया के लिए कोई मौका नहीं है, और अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच को आसानी से निकाल के ले जाएंगे। देखिए किस तरह से ये मैच बदला, और जो स्किड करने की बात मैं कह रहा हूँ विकेट के ऊपर टप्पा खा के, अब जिस गति से बॉल आ रहा है वो बिल्कुल रास आ रहा है, और ये जो नमी जो है धीरे धीरे बॉल में घुसती है, और अब बिल्कुल बॉल तैयार हो चुका मार खाने के लिए। जी हाँ, जिस चीज़ की अतुल बात कर रहे हैं, और ये नो बॉल भी थी, एक फ्री हिट भी मिलेगी। ओ ये बोनस भारत के लिए, तो यानी दो बॉल में अभी तक 16 रन बन चुके हैं और एक फ्री हिट है। हालांकि तीनों शॉट जैसी लगी थी, ऐसा लग रहा था फ्री हिट्स थी, पहली दो बॉल पर 6 लगाया, तीसरी बॉल पर बाउंड्री लगाई जो कि नो बॉल थी, और अंपायर ने इशारा किया इस बॉल पर अगर आउट भी हो जाए शॉट लगाते हुए तो कोई परेशानी नहीं है, तो खुलकर शॉट खेल सकते हैं। शॉट बॉल पुल कर दिया उसे, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे, केवल एक ही रन लेने का मौका। कप्तान दिलशान खुद आया अटैक के ऊपर, ऑस्टन के बाहर घूमता, खेल दिया उसे हवा में, कैप में, एक और बाउंड्री इरफान पठान के लिए। क्या लय पकड़ी है इरफान पठान ने, और उन्होंने अपनी शॉट और चौका एक और हाथों के बीच में से, तो लीजिए 50 रन पूरे किए इरफान पठान ने, और क्या पारी खेली है, मैच विनिंग नॉक। ये मैच बिल्कुल एक तरफा हो चला था, और बड़े बड़े नाम जो भारतीय टीम के थे वो वापस पवेलियन जा चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि क्या किया जाए, पर इरफान पठान ने लाजवाब बल्लेबाजी करके आज अपना ऑलराउंडर का जो उनको खिताब है वो सही मायने में सही दिखलाया कि मैं ऑलराउंडर हूँ। कमाल की बैटिंग की है, कमाल का अर्धशतक लगाया है, 29 बॉल में 52 रन उन्होंने बना लिया, एक और बाउंड्री, क्या बात है। एक समय ऐसा लग रहा था
कि क्या भारतीय टीम 139 रन बना पाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये काम 8 बॉल पहले ही कर लेगी। 56 पर पहुंचे हैं इरफान पठान, केवल 30 बॉलों में 56 रन उन्होंने बनाए और एक सिक्स लगाया था। उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस सिंगल के साथ इस मैच को जीत लिया है।